दोस्तों मेरे पास एक बाय स्टैंड के नाम से एक एलईडी टीवी आई हुई है, 22 इंच की है। और दोस्तों इसमें इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, हमने करंट दे दिया और इसको स्टैंड बाई से ऑन कर रहे हैं। इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बैक लाइट मेरा ओके है। दोस्तों इसका हमने स्टैंड बाई ऑन कर दिया और इसमें हम देखेंगे एक बार बैक लाइट मेरा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए दोस्तों इसमें बैक लाइट का ऑप्शन दिख रहा है। इसके पैनल में फॉल्ट है, एक बार इसका मॉडल नंबर हम लोग देख लें, इसका मॉडल नंबर क्या है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है VY2600 और इसमें कौन सा पैनल लगा है इसमें भी जो दिया है वही का है, HB236WHB-N41। एक बार इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों इसमें एक कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है और इसमें वही का ये पैनल है। बोई के नाम से ये स्कलर है और इसका जो स्कलर का मॉडल नंबर है HB236WHB-N41। और इसमें हम करंट देखकर इसका हम एक बार सप्लाई देखेंगे कि सप्लाई कितना आ रहा है। हमने इसमें करंट दे दिया है, मेरा 12 वोल्ट ओके है। अब देखेंगे हमारा 3.3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा इस जगह DVD दिया है, DVDD के आसपास मेरा ये 3.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो मेरा सही है वोल्टेज। VGL पे भी मेरा वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है, ये 0.045 इस तरह हो रहा है। और इसी के जस्ट बगल में एक VGH है, यहाँ भी देखेंगे मेरा वोल्टेज 0.59 मतलब 60 वोल्ट के आसपास आ रहा है। LED का वोल्टेज हम आना पर के देखेंगे कि मेरा कुछ वोल्टेज आकर वापस चला जा रहा है कि नहीं। जैसे दोस्तों कभी कभी होता है कि शॉर्ट हो जाता है VGL और VGH या CKB, कोई भी ऑप्शन शॉर्ट हो जाता है तो हमारा 12 वोल्ट तो आता है और 3.3 बनता है, मगर मेरा AVDD नहीं बनता है, ना VGH बनता है और ना ये VGL बनता है। तो इस तरह हम कैसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले हम AVDD के टेस्ट पॉइंट पे हम मीटर पर ऑर्डर रखेंगे और सेट करने के बाद स्टैंड बाई से हम ऑन ऑफ करेंगे। जैसे इस समय हम सेट को स्टैंड बाई कर दिया और इसको हम एक बार ऑन ऑफ करेंगे मीटर पे। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा, मैं स्टैंड बाई से इसको रिलीज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरा वोल्टेज आकर कुछ देर के बाद फिर जीरो हो गया। मैं दोबारा एक बार और स्टैंड बाई कर रहा हूँ। दोस्तों इसको दोबारा हम स्टैंड बाई से एक बार और रिलीज करेंगे, देखेंगे कितना वोल्टेज आकर मेरा ये बन रहा है और कितना चला जा रहा है। मीटर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 2-3 वोल्ट आकर फिर ये जीरो हो गया। तो इस तरह हमारा मतलब कि DC to DC IC काम कर रहा है। इसमें हम कुछ ट्रिक है जो हम इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे मेरा किस सेक्शन में शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम VGL का भी ओपन करेंगे और एक VGH का रेजिस्टेंस 0 ओम्स का। तो हम सबसे पहले हम इसका VGH का रेजिस्टेंस ओपन कर रहे हैं, अभी फिर दोबारा हम वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों हम इस
रेजिस्टेंस 0 ओम्स का जो है इसको हम ओपन करेंगे। हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसमें हम करंट देंगे और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों इसका VGS का हमने 0 ओम्स का रेजिस्टेंस हटा दिया है और हम इसका दोबारा EVDD का वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा अब रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारा 16.25 वोल्ट EVDD बूस्ट होने लगा और VGL भी देखेंगे हमारा -7.99 मतलब 7.99 वोल्टेज आने लगा मेरा। VGH का देखेंगे हम थोड़ा रेंज बढ़ा ले हम। देखिए दोस्तों मेरा VGS पे 26 वोल्ट के आसपास आ रहा है और जो VGS का ट्रैक है उस जगह हम चेक करेंगे तो इस पर मेरा -0.55 मतलब ये हमारा VGS और VGL के सेक्शन में जो हमारा सोर्स कॉफ या गेट कॉफ लगा हुआ है उस सेक्शन में मेरा यह शॉर्ट है, इसलिए कि इस ट्रैक पे -VGL वोल्टेज आ रहा है। अब इसको हम एक बार लाइन काट कर इसको वापस रेजिस्टेंस लगाएंगे और आगे सर्किट में चेक करेंगे क्या फॉल्ट है मेरा। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हमने दोबारा लगा दिया है, एक बार हम दोबारा स्टैंड बाई ऑन करके देखेंगे हमारा वोल्टेज पिन हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों इस बार स्टैंड बाई ऑन किए तो मेरा 2-3 वोल्ट बनकर वापस 0 हो गया। हम आगे सेक्शन में जाएंगे कि मेरा उस सेक्शन में क्या फॉल्ट है। दोस्तों अब मैं CLK1, CLK2, CLK3, CLK4 ये रेजिस्टेंस सब हमें रिमूव करूँगा और फिर दोबारा देखेंगे हम वोल्टेज मेरा कितना बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। इसलिए दोस्तों सोर्स कॉफ में यहीं से वोल्टेज आता है जो गेट कॉफ के लिए जाता है। दोस्तों हम इसका 4 रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए हैं। अब एक बार इसे हम करंट देंगे और देखेंगे वोल्टेज मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। दोस्तों इसमें हमने करंट दे दिया है, स्टैंड बाई अब रिलीज करेंगे और यहाँ देखेंगे मेरा VGL और VGS बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों मेरा ये VGL बनने लगा, IC के जस्ट बगल में VGH भी है मेरा। वोल्टेज थोड़ा अधिक है इसलिए कि रेंज बढ़ाना पड़ेगा हमारे मीटर का। छब्बीस वोल्ट के आसपास आ रहा और मेरा जो IC से वोल्टेज मेरा निकलता है ये मेरा VGL है -0.778 वोल्ट के आसपास आ रहा। इसी के बगल में देखिए ये OD वहन का सप्लाई है जो एक बार VGL हो रहा है एक बार VGH हो रहा है और जस्ट इसी के बगल में देखिए दोस्तों ये लो हाई वोल्टेज हो रहा है जो स्पार्क कर रहा है लग रहा है वोल्टेज। इस तरह हम सर्किट को ट्रेस कर हम फॉल्ट को निकाल सकते हैं। एक बार मेरा OD वहन सप्लाई जो एक बार VGH एक बार VGL बन रहा है और रेजिस्टेंस के दूसरे साइड में मेरा ये रिटर्न VGL का वोल्टेज वापस आ रहा है जो मेरा इस सोर्स कॉफ में कोई शॉर्टिंग है या गेट कॉफ में होगा। एक बार हम इस पैनल को खोलेंगे और सप्लाई को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हमने 4 रेजिस्टेंस रिमूव किया है, इस रेजिस्टेंस को मैं दोबारा लगाऊंगा
और फिर आगे हम इस पैनल को खोल के हम सप्लाई चेक करेंगे। दोस्तों इसका हम पैनल खोल लिए हैं और इसका जो CLK1, CLK2 और VDD1, CLK3, CLK4 इसका सबका हम जम्पर कर दिए हैं। इसका सोर्स कॉप में दोस्तों इस जगह ये देखिए बर्न है, इसको बहुत ही सफाई से एक बार हम साफ करके इसका हम देखेंगे कि शॉर्टिंग हटा कि नहीं हटा, क्योंकि हमारा VDD1 और एक VDD2 ये जो आपस में कंटिन्यूटी 0 बता रहा है। एक बार हम मीटर में भी आप लोग को दिखा दें। अब इसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे CLK1 CLK2 के बीच का, इसका कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब CLK2 और VDD1 का एक बार हम चेक करेंगे, इसका भी कोई आपस में शॉर्टिंग नहीं है। अब VDD1 और CLK3 का आपस में देखेंगे, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और CLK3 और CLK4 में चेक करेंगे हम, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। अब इसके बाद CLK4 और VDD2 के बीच में हम चेक करेंगे क्या कंटिन्यूटी है, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। VDD2 और STV के बीच में ये मेरा 494, 98, 99 मतलब कि 500 ओम्स के आसपास ही बता रहा है। और CLK1 CLK2 के बगल में एक VDD1 है उसका ट्रैक और VDD2 का जो ट्रैक है आपस में ये मेरा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जिसे हम चेक किए हैं आपस में ट्रेस करके। ओके दोस्तों ये 66 ओम से आसपास बता रहा है और इसी के जस्ट बगल में 95 ओम से बता रहा है। ये सोर्स कोप के जलने के कारण मेरा ये शॉर्टिंग हो रहा है, इसका हम एक बार थोड़ा सा क्लीन करेंगे और देखेंगे मेरा शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं हट रहा है। दोस्तों इसका कुछ हमने स्पार्किंग था क्लीन किया, क्लीन करने के बाद इसका हम एक बार दोबारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी से हटा कि नहीं हटा शॉर्टिंग। देखिए दोस्तों मेरा कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा। नहीं पहले मेरा ये शॉर्टिंग बता रहा था पहले, और देखिए दोस्तों इसमें हमने क्लीन करके कॉप को हमने शॉर्टिंग हटाया और मेरा ये पिक्चर बनने लगा, मगर इसमें कुछ मूवमेंट आ रहा है। अब इसमें वीडियो के बाद लगा के हम चेक करेंगे कि कैसा मूवमेंट है, इसलिए कि इसमें कुछ ट्रेके कटे हुए हैं जिसमें बाईपास तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसमें गेट कॉप नहीं लगा हुआ है इस पैनल में, प्योर सोर्स कॉप लगा हुआ है। कुछ ट्रैक इसका डिस्कनेक्ट करके कटिंग करके इसमें एक बार हम और ट्रिक अपनाएंगे, जो यहाँ से हमारा सिग्नल बाईपास हो रहा है
जो कुछ सिग्नल को हम इस साइड हम इस सोर्स को में रोकेंगे जाने के लिए, देखें इसमें क्या फॉल्ट हमारा क्लियर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि मेरा ये कुछ नो सिग्नल का लोगो तो आ गया, मगर इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों इस तरह पिक्चर हमने डीवीडी लगा दिया, देखिए ऐसा पिक्चर आ रहा है। इस बार एक इसका एक बार हम वोल्टेज अब मेजर करेंगे, वोल्टेज क्या आ रहा है क्या नहीं। इसलिए कि ये सोर्स पंप जो जला हुआ है इसके कारण ऐसा हो रहा है। CLK1 पर देखिए दोस्तों ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। CLK2 पे भी देखेंगे यहाँ भी अप डाउन हो रहा है। ODVN पे देखेंगे हम एक बार VGL एक बार VGS बन रहा है। और इसके बगल में CLK3 है, यहाँ देखेंगे हम वोल्टेज कितना बन रहा है। यहाँ भी हमारा VGS लो हाई हो रहा है, कभी 27 वोल्ट 25 वोल्ट इस तरह का कभी कभी ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों इसमें हमने बहुत ही सर्किट ट्रेस किया और सर्किट ट्रेस करने के बाद कुछ हमको फॉल्ट इसका मिला। कभी कभी इसका पिक्चर सही हो जा रहा था, कभी कभी इस बार दोबारा हम स्टैंड बाई ऑन ऑफ कर रहे हैं इसका सेट। दोस्तों इसको हम स्टैंड बाई से एक बार दोबारा ऑन कर रहे हैं, इसमें देखें क्या हमारा डिस्प्ले आ रहा है। दोस्तों पिक्चर एक बार आकर चला जा रहा है। इस बार इसका एक बार हम वोल्टेज चेक करेंगे। CLK1 पे देखेंगे हम देखिए दोस्तों ये अप डाउन हो रहा है, कभी 4 वोल्ट कभी 1.5 वोल्ट, मतलब कि 1.5 वोल्ट से घटता बढ़ते हुए वोल्टेज आप हो रहा है। फिर दूसरा CLK2 पे देख रहे हैं हम, इस पर भी उसी तरह कभी 3 वोल्ट कभी 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट के पास घटते बढ़ते हुए हो रहा है। और इसी के बगल में VDD1 है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा रेंज अधिक कर लें, यहाँ वोल्टेज थोड़ा कुछ अधिक है। देखिए दोस्तों एक बार VGL एक बार VGH हो रहा है, एक बार VGH हो रहा है, एक बार VGL हो रहा है। दोस्तों इसका VGS पे हमारा पिक्चर सही आ रहा है, VGL पे हमारा पिक्चर चला जा रहा है। देखिए दोस्तों VGS का जब वोल्टेज आ रहा है तो पिक्चर आ जा रहा है। तो इस ODVN पे हम इसका VGS का सप्लाई देंगे। और इसी के बगल में एक हमारा है CLK3, जो यहाँ भी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। CLK4 पे हम देखेंगे यहाँ भी हमारा अप डाउन कर रहा है। तो हम इस ट्रैक पे एक बार हम VGH का जम्पर देंगे और देखेंगे मेरा क्या रिजल्ट है पिक्चर का। इसलिए कि दोस्तों जब VGH का वोल्टेज आ रहा है तो मेरा पिक्चर सही हो जा रहा है।
एक बार हम इसको जंपर देने जा रहे हैं दोस्तों। ऑडी वैन का हमने जंपर हटाकर एक VGS से हम 82 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाए हैं और इसमें एक बार हम करंट देंगे। अब देखेंगे मेरा क्या रिजल्ट है। स्टैंड वाइज से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। स्टैंड वाइज से रिलीज हुआ सेट। देखिए दोस्तों मेरा ये सेट ओके हो गया। दोस्तों इस तरह का फॉल्ट बहुत ही जल्दी निकलता नहीं है, मैं थोड़ा मेहनत करने पे ये सक्सेस हो गया हमारा। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग भी इस तरह का फॉल्ट आए तो आप लोग इस तरह का निकाल सकते हैं फॉल्ट। दोस्तों मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह हम थोड़ा थोड़ा फॉल्ट, दोस्तों इसका देखिए सोर्स कोड में कितना प्रिंट जल गया था, जो इसको हम स्क्रीच करके साफ किए और साफ करने के बाद मेरा ये वोल्टेज फॉल्ट दूर हुआ। दोस्तों इस तरह अगर सोर्स को जल जाए, थोड़ा सा मेहनत करके क्लीन कर दिया जाए तो इस तरह का फॉल्ट आप लोग भी इस तरह क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखिए, दोस्तों हमने इसका बाईपास कर दिया रेजिस्टेंस द्वारा, पिक्चर मेरा सही था। दोस्तों सोर्स को इतना जल गया था फिर भी ये सही हो गया। इसको अच्छी तरह से क्लीन किया हमने सुई से, और सुई से क्लीन करने के बाद इसका शॉर्टिंग हटाया। शॉर्टिंग हटाने के बाद इसका हम ओडी वेन का सप्लाई बाईपास कर दिया, VGS का सप्लाई दे दिया, जिससे मेरा सेट ये ओके हो गया। अब इस सेट को हम कसेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट है। दोस्तों मेरा सेट ये ओके हो गया। दोस्तों मेरे पैनल में जो फॉल्ट था वो फॉल्ट दूर हो गया और मेरा सेट ओके हो गया। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों थैंक यू सो मच।